नमस्कार, मैं खुर्शीद खर राजू और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। अब वक्त हो चला अपराध जगत की कुछ बड़ी खबरों का। सुल्तानपुर में दहेज हत्या के मामले में आरोपी सास ससुर और दो नंदों को गिरफ्तार कर कोतवाली नगर पुलिस ने सीजीएम कोर्ट में पेश किया। सीजीएम बटेश्वर कुमार ने चारों आरोपियों की रिमांड मंजूर करते हुए जेल भेज दिया। सुल्तानपुर में घर जा रहे बाइक सवार युवक को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने ट्रामा सेंटर लखनऊ रिफर कर दिया। आपको बता दें कि घायल की पहचान थाना कुड़वार के गंजेड़ी गाँव के रहने वाले 38 साल के सोहराम नाम से हुई है। अमेठी में थाना मोहनगंज के ग्राम पंचायत कोची में पेड़ से लटका मिला नवयुवक का शव। मौके पर पहुंची मोहनगंज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अमेठी में थाना मुंशीगंज पुलिस ने धोखाधड़ी में वांछित धर्मेंद्र कुमार मौर्य नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अमेठी में थाना पीपरपुर पुलिस ने राजकुमार सिंह उर्फ राजू नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपी के पास से 20 ग्राम स्मैक बरामद किया है। अमेठी में थाना मुसाफिर खाना पुलिस ने दुराचार में वांछित सुनील कुमार यादव को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। बहराइच में थाना रुपाइडिया पुलिस ने कमाल मोनुखा और रिजवान खान नाम के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से स्विफ्ट डिजायर कार बरामद की है। रामपुर में बिलासपुर कोतवाली के उत्तराखंड सीमा से सटे डिबडिबा गांव के सोड़ी कॉलोनी में रहने वाले 75 साल के मुसाफिर सहानी नाम के वृद्ध की बुधवार रात गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई, जिससे गांव में सनसनी फैल गई। आपको हमारी खबरें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इन खबरों को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक के जरिए हमसे जुड़े हैं तो पेज को लाइक करके फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानव अधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।